फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मी हो और गर्मियों में मैंगो लस्सी नहीं पी तो बात नहीं बनेगी। तो आज हम बनाएंगे मैंगो लस्सी जो पीने में बहुत बहुत टेस्टी होती है और झटपट बन जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमने दो मैंगो ले लिए हैं जिनको हमने अच्छे साफ पानी से धुल लिया है। सबसे पहले फ्रेंड हम इनका छिलका निकालकर, गुठली निकालकर आम को छोटे पीसों में हम काट लेंगे। 5 गिलास लस्सी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम दही ली है जो घर की फ्रेश दही है। आवश्यकता अनुसार दूध लस्सी को पतला और गाढ़ा करने के लिए आप इसकी जगह पानी का भी यूज कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार पाउडर शुगर, फ्रेंड पाउडर शुगर की जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं लस्सी में। मैंने 5 से 6 इलायची को ऐसे कूट लिया है। फ्रेंड इलायची पाउडर एक तो हमारी लस्सी को एक अच्छी खुशबू देगा और एक अच्छा फ्लेवर देगा। और फ्रेंड कुछ हमने काजू बादाम और पिस्ता ऐसे स्लाइसों में काट लिए हैं जिसे हम लस्सी में सजाने के लिए यूज करेंगे ऊपर से। और फ्रेंड खूब सारे आइस क्यूब और फ्रेंड जितनी भी आपको लस्सी ठंडी करनी है। चलिए फ्रेंड लस्सी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड लस्सी बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है। अब जो हमारे मैंगो के पीसेस थे वो हम डाल देंगे इसमें, दही ऐड कर देंगे, अब थोड़ा दूध ऐड कर देंगे, अब हम पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, आइस क्यूब ऐड कर देंगे, अब हम जार का ढक्कन कवर करके इसे 5 मिनट के लिए इसे ब्लेंड कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड हमारी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। इस टाइप की हमारी लस्सी बनी है। तो फ्रेंड इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। फ्रेंड लस्सी मैं इन ग्लास में सर्व करूंगी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम आइस क्यूब डालेंगे ग्लास में, अब हम इसमें लस्सी करेंगे। और फ्रेंड जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो हम ऊपर से इसे सजा देंगे, गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है हमारी लस्सी। देखिए फ्रेंड मेरी क्रीमी गाढ़ी लस्सी बनकर तैयार है। तो एक बार मेरी रेसिपी से लस्सी घर पर जरूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। बाय बाय।